हाय किड्स, हाय सर। आज देखो, आज हम एक टेबल भरने वाले हैं ये वाला, ठीक है? आप हेल्प करोगे इसमें, ठीक है मेरी? अब देखो, घर में जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो मेनली हम राइस खाते हैं। वीट खाते हैं क्या हम? नो सर। क्या खाते हैं सर? वीट नहीं खाते ना। क्या खाते हैं हम? आटा खाते हैं ना, ठीक है? फ्लोर। और क्या खाते हैं हम? चाउमीन। अब मैं बताऊँगा आप क्या खाते हो, ठीक है? चाउमीन खाते हैं हम। दाल खाते हैं? यस सर। समोसा खाते हैं? यस सर। बर्गर खाते हैं? यस सर। पिज्जा खाते हैं? यस सर। एक और जलेबी, मोमो या जलेबी बोल सकते हैं, ठीक है? राइस कितने बच्चे खाते हैं हम? मेरे गिनो जरा कितने हैं। सर 13। ओके, 13 लिख देते हैं। आटा 12। आटा सब लोग खाते हैं? यस सर। चाउमीन बताओ, किसने खाई है चाउमीन? ओके 10। ओके, दाल भी सबने खाई है। समोसा? यस सर। समोसा 11। ओके, बर्गर कितने बच्चों ने सुना है? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 6। पिज्जा सर 5। और मोमो भी सबने खाए? मोमो सबने खाए। ओके 13, ठीक है? अब देखो, अब इस टेबल जो हमने ये भर दिया, इस टेबल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इन क्वेश्चंस को आपको करना है। अब वो बोल रहे हैं कि मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम, अब वो बोले सबसे ज़्यादा जो फूड है वो कई से बनता है, कई से बनता है सबसे ज़्यादा खाना इनमें से जो सारा सामान है? राइस, फ्लोर होता है, ठीक है? फ्लोर किसी भी चीज़ का हो सकता है, बेसन का भी हो सकता है, ठीक है? बेसन भी, जैसे बेसन जो होती है ना, बेसन कैसे बनती है? चने से, ठीक है? तो उसके से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो मोस्ट, जो ज़्यादातर खाना हमारा किससे बनता है? आटे से, ठीक है? अब देखो, कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, दोज हु ईट वीट आर मोर लेस और इक्वल। अब वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे राइस खाते हैं, क्या वो जो बच्चे आटा खाते हैं उससे ज़्यादा हैं, कम है कि बराबर हैं? इक्वल है। 13 है दोनों। कंपेयर टू दोज हु ईट वीट, चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर मोर लेस। अब रागी तो हम खाते नहीं हैं, ठीक है? तो रागी की जगह हम कुछ और लिख लेते हैं। रागी किसी दूसरी जगह की डिश होगी ना, तो हम इसकी जगह दाल नहीं मोमो लिख लेते हैं, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं कंपेयर टू दोज हु ईट वीट, वीट का मतलब फ्लोर, जो बच्चे फ्लोर खाते हैं और जो बच्चे मोमो खाते हैं, क्या वो बराबर हैं, कम है कि ज़्यादा हैं? फिर बराबर है फिर वो भी। तो यहाँ पर मोर और लेस लिखा है, तो मोर और लेस में से कोई भी आंसर नहीं होगा, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? इक्वल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो एक और। प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा, ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर अ ड्रामा, सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग, सम आर बिजी कलेक्टिंग द ड्रेसेस, सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स एंड चेयर्स टू मेक द सेट्स, ठीक है? कोई कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है स्कूल में, ठीक है? वहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे उसके लिए सामान जुटा रहे हैं, कुछ बच्चे कपड़े ला रहा है जो ड्रेसेस पहनेंगे, ठीक है? अब सारे बच्चों का डेटा यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है? इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, जो नंबर होंगे बच्चों कितनी संख्या में बच्चे हैं, और ये वो काम कर रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कोई ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं, कोई म्यूजिक बजा रहे हैं, और कोई बच्चे उसके लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखो, वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिस शोज 3 चिल्ड्रन, इसका मतलब एक ट्रायंगल कितने चिल्ड्रन के बराबर है? 3। ये भी 3 हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, वो पूछ रहे हैं कि इस, ये जो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, ये जो प्रोग्राम होने वाला है, उसमें कितने बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं? 9। विच आर मोर चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग, वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे सेट बना रहे हैं या जो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, कौन से ज्यादा हैं? मेकिंग सेट्स वाले कि एक्टिंग वाले? मेकिंग सेट्स और एक्टिंग में, तो एक्टिंग वाले ही ज्यादा हैं, ठीक है? हु इज, व्हाट इज बीइंग डन बाय द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ? प्लेइंग। क्या कर रहे हैं? प्लेइंग म्यूजिक, मतलब गाने बजा रहे हैं। गा रहे हैं, वेरी गुड। संगीत, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस? 6। वेरी गुड, 6। क्लियर है या नहीं है? क्लियर।